हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NIOS एग्ज़ाम के बारे में कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन्ड होगा या फिर कैंसिल होगा। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रेस और एक तरह के हमारे जो स्टूडेंट हैं और जो भी मतलब NIOS के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके ऊपर एक स्ट्रेस और एक गलत इम्पेक्ट पड़ रहा, ठीक है। वो मतलब कुछ भी सही से नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू मतलब इसी के वजह से। तो मैं इस वीडियो को आप लोग स्टार्ट टू एंड देखिए, आपको सारा कुछ क्लियर कर दूंगा कि आपके एग्ज़ाम अगर होंगे भी तो कब तक होंगे या फिर नहीं होंगे, सारा कुछ आपको मैं इस वीडियो में आपको बता देना चाहता हूं। देखो, सबसे पहले तो आप एक बात जान लीजिए कि अभी जो है इंडिया एग्ज़ाम लेने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, CBSE हो, NIOS हो, स्टेट बोर्ड हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वो अभी एग्ज़ाम लेने के बिल्कुल भी मतलब कंडीशन में नहीं है। आप हालत देखो, कोविड के केसेस कितने ज़्यादा आ रहे हैं और ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, ये सारा कुछ हमारे मतलब कंट्री में निकल रहा है, ठीक है। और NIOS का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा और कैसे होगा, ये इम्पेक्ट मतलब CBSE पे भी पड़ता है। मतलब अगर CBSE क्लास 12 का डिसीजन आता है तो इस पे भी, NIOS पे भी मतलब कुछ ना कुछ डिसीजन ज़रूर आएगा, ठीक है। कुछ दिन बाद ही आए लेकिन आएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे जो इंडिया में स्टेट हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या फिर CBSE बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो या फिर कोई भी ओपन बोर्ड हो या फिर आप बोल सकते हो ICSE बोर्ड हो, तो वो सारा कुछ CBSE को ही देखती है एंड आफ्टर देन वो लोग भी खुद का अपना डिसीजन लेते हैं। तो ये तो हो गया पॉइंट नंबर 2। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर CBSE के अगर हम लोग बात करें तो CBSE के ही नहीं, मतलब इंडिया में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं और बहुत बड़े बड़े ऐसे हस्तियाँ जो डिमांड कर रही है कि नहीं, अभी एग्ज़ाम कैंसिल करना चाहिए, एग्ज़ाम लेने के मूड में नहीं है। आप खुद सोचिए, क्लास 10th का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? जो है वो कंडीशन सही नहीं था इसलिए कैंसिल हो गया। जो चीज़ क्लास 10th के पास था वो क्लास 12 के पास भी है, ठीक है। अगर किसी को ये लगता है कि क्लास 12 का मार्क्स जो है वो इम्पोर्टेंट होता है तो ठीक है, क्लास 10th के भी मार्क्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप लोगों ने क्लास 10th का एग्ज़ाम इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि इंडिया के कंडीशन अभी सही नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा या फिर क्या होगा। तो इस पे 1 जून को मतलब हाँ 31 तारीख या फिर 30 तारीख एक डेट दिया गया था, उस पर सुनवाई तो मतलब आज ही होना था बट ये टल चुका है और 30 से 31 तारीख को इस पे मतलब डिसीजन आ जाएगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि CBSE क्लास 12 का 1 जून को डेट शीट वगैरह भी निकल जाएगा। तो अगर CBSE का एग्ज़ाम होता है तो NIOS पे भी कुछ ना कुछ बहुत ही ज़्यादा, वैसे तो मतलब चांसेस हैं कि हमारे एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए या फिर कैंसिल से ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारा एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो सकता है। CBSE का ऐसा मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच आपका एग्ज़ाम हो सकता है। बट अगर हम लोग NIOS की बात करें तो NIOS में पोस्टपोन्ड का भी चांस काफ़ी ज़्यादा कम है। वो क्यों? देखो, NIOS में तो एक तो ईयर में 2 बार एग्ज़ाम होता है पहली बात, और दूसरा ऑन डिमांड एग्ज़ाम भी होता है। तो इसी वजह से NIOS में जो एक हमारा पॉजिटिव पॉइंट ये मिलता है कि इसमें कैंसिलेशन की चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि कोई भी बोर्ड अपना सेशन जो है वो देर करने के लिए नहीं चाहेगा, ठीक है। मतलब वो नहीं चाहेगा कि देर है, क्योंकि उसके आगे भी जो वो सेशन है उसे भी तो एग्ज़ाम लेना है ना। तो इसी वजह से मतलब वो नहीं चाहेगा कि हमारा जो है वो सेशन देर हो, और यहाँ पे दूसरी सेशन देर हो, इस वजह से वो कैंसिल मतलब बार बार वो फर्दर पोस्टपोन नहीं करते रहेगा। और NIOS में जो है वो हमारा TMA और असाइनमेंट वगैरह भी होता है, तो उसी के बेसिस पर वो NIOS बोर्ड जो है वो आपको रिजल्ट दे सकता है। और रही बात एग्ज़ाम की, तो अभी इंडिया कंडीशन में ही नहीं है कि वो हमारा एग्ज़ाम ले, कोई भी एग्ज़ाम हो, वेदर इट इज़ स्टेट बोर्ड, ओपन बोर्ड, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम 110% कैंसिल हो गए NIOS के। और CBSE वालों का क्या होगा, मतलब 1-2 दिन में ये सब कुछ तो क्लियर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो एक डिफरेंस बताया ना, इससे थोड़ा सा लगता है कि नहीं, NIOS के एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि NIOS ने पिछली बार भी जनरल प्रमोशन दे करके प्रमोट किया था, तो इस बार भी चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए और आपको जनरल प्रमोशन दे दिया जाए। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड डोंट टेक टू मच स्ट्रेस, एवरीथिंग विल बी वेल एंड गुड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए।